आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला कुछ ऐसी गलतियाँ करती है जिसकी वजह से उनको प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं कुछ गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, और यह प्री मैच्योर डिलीवरी क्या होता है, इन्हीं सारी बातों की विस्तार में जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज के इस वीडियो के टॉपिक को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यह प्री मैच्योर डिलीवरी क्या होता है और किन गलतियों की वजह से आपको यह प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे इस प्री मैच्योर डिलीवरी के बारे में। तो आपको हम बता दूँ, जब महिला का डिलीवरी 37वें हफ्ते से पहले होता है तब उनकी डिलीवरी प्री मैच्योर डिलीवरी मानी जाती है, यानी इसको समय से पहले डिलीवरी होना भी कहा जाता है, और इसके साथ इसको प्री मैच्योर बर्थ भी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, आपके गर्भ में पल रहे शिशु का डेवलपमेंट 37वें हफ्ते तक पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आपकी गर्भावस्था बिल्कुल नॉर्मल है और हेल्दी है तब आपकी डिलीवरी 37 से 40 हफ्ते के बीच में होती है, और यह बिल्कुल सही समय होता है आपकी डिलीवरी का। अगर 37वें हफ्ते से पहले आपकी डिलीवरी होती है तो यह आपके लिए सुरक्षित नहीं होता है, और इसी को प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। तो यही सब थे प्री मैच्योर डिलीवरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे यह प्री मैच्योर डिलीवरी आखिर क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो पहली और महत्वपूर्ण कारण है, अगर आप समय से पहले गर्भधारण करती है, यानी अगर आप किशोरा अवस्था में गर्भधारण करती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं को प्री मैच्योर डिलीवरी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। दूसरी कारण है प्री मैच्योर डिलीवरी की, वो है प्रेगनेंसी के दौरान आपका खान पान। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान नियमित रूप से अपने खान पान को हेल्दी नहीं रखती है और नियमित रूप से व्यायाम नहीं करती है, तो इसकी वजह से भी आपके गर्भ में पल रहे शिशु का स्वास्थ्य बिगड़ता है और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, जिसकी वजह से आपको प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकते हैं। तीसरी कारण, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान यौन संक्रमण है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप समय रहते उस यौन संक्रमण का इलाज करवा लें, क्योंकि यौन संक्रमण की वजह से भी आपको प्री मैच्योर डिलीवरी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। चौथी कारण, प्रेगनेंसी के समय अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु में किसी भी प्रकार की पोषक तत्व या सप्लीमेंट की कमी होती है तो इसकी वजह से भी आपको चांसेस रहते हैं कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए। पांचवी कारण है, अगर आप गर्भावस्था के दौरान शराब सिगरेट या तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करती है तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला और उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है। छठी और महत्वपूर्ण कारण है, अगर आपको ब्लड प्रेशर या बीपी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो ऐसी स्थिति में भी आप डॉक्टर से सलाह लें और आपको प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर सही नहीं रहता है तो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण कारण। तो सातवीं कारण है, अगर आप गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहती है तो इसकी वजह से भी आपका प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ नहीं रहती है तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास काफ़ी कमज़ोर तरीके से होता है और अच्छे तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको प्री मैच्योर डिलीवरी के होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, और इन्हीं सारी कारणों की वजह से आपको प्री मैच्योर डिलीवरी होते हैं। तो यही सब थी आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। वीडियो के अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें।